सोचिए आपने कोई गाना बनाया और गाने की रिलीज के 4 दिन पहले उसमें से अपना नाम ही हटवा लिया कि नहीं भाई हमें इस गाने के साथ अपना नाम जुड़वाना ही नहीं है। जाहिर सी बात है बहुत सारे सवालों से पहले आपके दिमाग में ऐसी सिचुएशन में यही आएगा कि जब नाम जुड़वाना ही नहीं है तो मैं बनाऊंगा क्यों। दृश्यम का अजय देवगन थोड़ी ना हूं मैं, लेकिन ऐसा ही कुछ हो रहा है लव सेक्स और धोखा 2 के साथ, जहां फिल्म के मेकर्स यानी बालाजी टेलीफिल्म्स और प्रोड्यूसर शोभा कपूर ने फिल्म से अपना नाम ही हटवा दिया है। क्यों, क्या, कैसे, मतलब सब बताते हैं, इत्मीनान से पूरा वीडियो देखिए आप। तो देखिए LSD 2 19 अप्रैल 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। इस फिल्म में अक्सर अपने अतरंगी लुक के लिए सुर्खियां बटोरने वाली उर्फी जावेद बॉलीवुड डेब्यू करने वाली है। फिल्म की कहानी रॉ रियल है, साथ ही इसमें आज की यंग जनरेशन के डिजिटल दुनिया में डूबे रहने की झलक दिखाई जाती है। लेकिन अब फिल्म पे एक पहाड़ टूट पड़ा है। फिल्म के मेकर्स ने रिलीज से 4 दिन पहले एक बड़ा फैसला लिया है। LSD 2 के मेकर्स बालाजी टेलीफिल्म्स और प्रोड्यूसर शोभा कपूर का नाम फिल्म में नहीं जोड़ा जाएगा। यह पहली बार होगा जब LSD 2 के मेकर्स बालाजी टेलीफिल्म्स और प्रोड्यूसर शोभा कपूर का नाम फिल्म से नहीं जुड़ा होगा। हाँ, वो अलग बात है कि इससे पहले एकता कपूर ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि वो इस फिल्म की रिलीज के बाद कुछ समय के लिए गायब हो जाना चाहती हैं। लेकिन भाई ऐसे थोड़ी ना गायब करना था किसी और को। अब ये एक पब्लिसिटी स्टंट है या फिर किसी चीज का खौफ, ये तो मेकर्स को ही पता है, लेकिन आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और ऐसी डिटेल्ड स्टोरीज के लिए देखते रहें इंडिया TV शोबिज़।